हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल काउंसलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ की, कि एमबीबीएस का कट ऑफ 2020 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या रहा था। मैंने क्लोजिंग मार्क्स जो ज़्यादा अच्छा रहा उसको नंबर एक पे लिया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जिपमर, पुडुचेरी ओपन, इंटरनल, बीएचयू, जिपमर, एएमयू। यहाँ पे जिपमर के लिए जो ओपन का है वो जनरल कैटेगरी के लिए 691, ईडब्ल्यूएस 665, ओबीसी 682, एससी 641 और एसटी के लिए 613 रहा था। इसके बाद अगर आप जिपमर इंटरनल कोटा की बात करेंगे तो जनरल 610, ईडब्ल्यूएस 354, ओबीसी 569, एससी 442 एंड एसटी 147 रहा था। इसके बाद नंबर टू पे आपका बीएचयू वाराणसी, जनरल 673, ईडब्ल्यूएस 659, ओबीसी 662, एससी 600 एंड एसटी 576 रहा था। इसके बाद जिपमर कराईकल ओपन के लिए जनरल में 659 पे क्लोज हुआ था, ईडब्ल्यूएस 647, ओबीसी 655, एससी 606 एंड एसटी 583 पे क्लोज हुआ था। इसके बाद जो जिपमर का इंटरनल कोटा है वो जनरल के लिए 562, ईडब्ल्यूएस 323, ओबीसी 553, एससी 421, एसटी 518 पे क्लोज हुआ था। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए, ओपन में ये 646 पे क्लोज हुआ था, अदर कोटा यहाँ पे नहीं है इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद जो एएमयू इंटरनल ये 624 पे क्लोज हो गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉलेज चाहिए जो देश के काफ़ी बेहतर कॉलेज माने जाते हैं तो ये कट ऑफ आपको रखना पड़ेगा। जिपमर पुडुचेरी के लिए तो आपको 700 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। इवन आप देख सकते हैं अगर आप एससी में भी आते हैं तब भी आपको 650 का टारगेट लेके ही चलना पड़ेगा, तब आप जिपमर का सोच सकते हैं, उससे पहले आपको जिपमर नहीं मिल सकता। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पर देश के सभी मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ क्या रहे हैं, काउंसलिंग कैसे होनी है, एडमिशन कैसे होना है, फीस क्या है, ये मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग को आसान बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।